ओके, तो देखिए क्या होता है कि सेक्स हार्मोन जो है, जो स्पेशली टेस्टोस्टेरॉन कहा जाता है, टेस्टोस्टेरॉन सेक्स हार्मोन, हम उसके बारे में आज बातचीत करने वाले, टेस्टोस्टेरॉन के बारे में, राइट, जो सेक्स हार्मोन है। और ये जो टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन है, उसका कम ज्यादा होना संभव है, और जब वो कम ज्यादा होता है तो प्रॉब्लम अपने बदन को आता है। कम हो गया तो जो जो लोग YouTube पे है उनको दिक्कत आ रही है चैट करने में, तो उनको रिक्वेस्ट है कि वो जूम की लिंक उनको दी हुई है, वो जूम की लिंक पर आइए ताकि मेरे से बातचीत करना संभव हो जाएगा। तो जो लोग YouTube पे है उनको रिक्वेस्ट है कि आप जूम पे आइए ताकि मेरे से बातचीत हो जाए, YouTube पे बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, गुड। फिर अर्जुन सैनी बोलिए, अर्जुन सैनी। अर्जुन सैनी बोलिए, अनम्यूट करो, बात करो। हाँ सर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो गई थी मुझे अभी 1-2 साल पहले, तो उसका इलाज किया मैंने। अब उसके बाद ना बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होता। एक तो मैं बिना टेबलेट के या बिना किसी आयुर्वेदिक दवाई के सेक्स नहीं कर पाता, और उसमें अगर बिना उसके करूंगा तो इरेक्शन जल्द वो क्या नाम शीघ्र पतन हो जाएगा, इरेक्शन कम होगा, तो ये प्रॉब्लम सामने आ रही है सर। ओके, बताता हूँ मैं उसका भी इलाज कर, ठीक है ना। थोड़ा रुको, थोड़ा सा रुक जाओ, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आ रहे हैं कि लो टेस्टोस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन की लेवल कम है, तो वो बढ़ानी पड़ेगी। हमको देखना है कि इसके कॉजेस क्या है। टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम है भाई, सेक्स का ड्राइव कम है, सेक्स की इच्छा कम है, इरेक्शन नहीं आ रहा है, दाढ़ी कम है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, थकान ज्यादा आ रही है, एनर्जी कम है, सब ये टेस्टोस्टेरॉन। जो कोई आता है ना मेरे तरफ 40-45 साल का व्यक्ति आता है, क्या होता है कि उम्र जैसी बढ़ जाती है वैसे टेस्टोस्टेरॉन की लेवल कम हो जाती है। तो पहला कारण जो है कि एज, एज की वजह से टेस्टोस्टेरॉन की लेवल कम हो जाती है। मतलब 20 साल की उम्र में जितना होना चाहिए वो 40 साल की उम्र में रहेगा नहीं। तो समझो ज्यादा एज है और प्रॉब्लम है, चलो टेस्ट कर लो, बाहर से टेस्टोस्टेरॉन दे दो। पहला है एज, एज मतलब उम्र। नंबर दो है मोटापा। मोटापा जैसा ज्यादा है तो वैसा प्रॉब्लम आता है मोटापा। अब देखिए मोटापा जैसा है वैसा, बहुत ही वजन कम रहा तो प्रॉब्लम, अंडरवेट, मतलब ओवरवेट भी प्रॉब्लम है और अंडरवेट भी प्रॉब्लम, ठीक है ना, दोनों भी हो सकते हैं। इसमें कुछ लोग पूछ रहे हैं तो मुझे बताने का है कि हमारा हर रविवार को सेक्स वेबिनार होता है और बाकी भी दिन सेक्स वेबिनार होते रहते हैं अलग अलग टॉपिक लेके। तो आपको यदि उसके बारे में जानकारी चाहिए, सेक्स के विषय के बारे में जानकारी चाहिए, तो हमारे सेक्स एजुकेशन का व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। मैं सेक्स एजुकेशन की व्हाट्सएप की लिंक देता हूँ आपको, उसमें आपने ज्वाइन करना है। और जब आप ज्वाइन करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि भाई हमारे प्रोग्राम कब कब है और आप हमारे से कनेक्टेड रहेंगे। हमारा क्या होता है कि हमारा जैसा रविवार को ये प्रोग्राम होता है वैसे बाकी दिन भी होते हैं सेक्स वेबिनार जूम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा हमारा गुरुवार को एक प्रोग्राम होता है स्ट्रेस फ्री इंडिया, तनाव मुक्त भारत अभियान। तो वो तनाव मुक्त भारत अभियान जो है तो उसमें भी हम आपको लिंक देंगे और आप उसमें भी आ सकेंगे। एक अच्छा बदल रहे हैं। नहीं ना, एक मिनट ना, ये फिर एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। ये हाँ तो गुरुवार का भी हमारा प्रोग्राम होता है, गुरुवार का स्ट्रेस फ्री इंडिया का प्रोग्राम होता है जिसमें तनाव मुक्त भारत काम चलाते हैं अभियान, तो
तो उसमें भी आप आ सकते हैं। और बाकी भी हिप्नोटिज्म का प्रोग्राम होता है, हिप्नोटिज्म सम्मोहन उपचार, तो उसके भी प्रोग्राम आपको मिलेंगे, उसकी लिंक देंगे। एक अपना परवरिश की लिंक है, परवरिश के प्रोग्राम होते हैं, उसकी भी व्हाट्सएप लिंक हम डालते हैं आपको, परवरिश वो डाल दिया है परवरिश, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेलनेस स्टडी की लिंक है, तो आप अलग अलग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए ताकि अलग अलग प्रोग्राम आपको मिलते जाए, ठीक है ना। ये रविवार का प्रोग्राम, आपको सेक्स एजुकेशन में इंटरेस्ट है तो ये रविवार के प्रोग्राम में आपने आते जाना है, तो आपको अलग अलग प्रोग्राम मिलते जाएंगे, ठीक है। तो भी हम देखेंगे कि उम्र जैसी बढ़ती जाती है वैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाती है। मोटापा यदि है तो होता है, मोटापा, वजन कम है तो होता है, मतलब बहुत ज्यादा वजन कम है, बहुत कम वजन है तो प्रॉब्लम आएंगे, बहुत ज्यादा वजन है तो प्रॉब्लम आएंगे। फिर वैसे धूम्रपान स्मोकिंग, उससे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होती है। फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम करके, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो XXY होते हैं, जेनेटिक है वो। कैलमन सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है, उसमें ये कम हो जाता है। टेस्टिस जो है अंडकोश, वो पेट में ही रहना, नीचे नहीं आना, अंदर रह जाता, नीचे आती नहीं। फिर ये अंडकोश को यदि इंजरी हो गई, कोई घाव बैठ गया, इंजरी हो गई, कोई ट्यूमर हो गया, उससे होता है। फिर HIV मतलब एड्स, ड्रग एब्यूज, दवाइयों का सेवन, मैरिजुआना जैसी दवाइयां, और बहुत ज्यादा तनाव, हाई स्ट्रेस फैक्टर, तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो होता है। तो भी इसके लिए, सबके लिए क्या करना है, इसका, इसके लिए आपको देना पड़ेगा टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंटेशन। जैसा मैंने बताया कि 300 से 1000 नैनोग्राम पर डीएल, इतना नॉर्मल लेवल है। मगर ऐसा पाया गया है कि 45 साल के उम्र के ऊपर, 45 साल के उम्र के ऊपर, 45 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है, उसमें से 40% लोग ये लेवल के नीचे थे, 40% लोग। इसका मतलब यही है कि यदि प्रॉब्लम आपको आता है और आप सप्लीमेंटेशन लेते हो तो डेफिनेटली आपको फायदा दिखाई देगा। फिर टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है, यदि वो देते हैं टेस्टोस्टेरोन बाहर से, तो डेफिनेटली आपको, आपका सेक्स ड्राइव जो है, सेक्स की इच्छा वो बढ़ जाएगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगी, मूड अच्छा हो जाएगा। तो देते कैसे है, तो ये स्किन के ऊपर पैच लगा दो, चमड़ी के ऊपर पैच मिल जाओ, पैच लगा दो तो स्किन से एब्सॉर्ब हो जाएगा, उसको बोलते हैं एंड्रोडर्म पैच, ट्रांसडर्मल पैच। फिर कुछ लोग एंड्रो जेल लगाते हैं, एंड्रो जेल, जेल आती है तो वो जेल लगा दो चमड़ी के ऊपर। नेटेस्टो जेल आता है नाक में डालने की, तो नाक से एब्सॉर्ब हो जाती है, जैसा अभी ये कोरोना का नाक से लस आ गई ना, वैसा वो नाक से टेस्टोस्टेरोन देते। फिर माउथ पैच भी है, स्ट्राइन टैबलेट, वो जो है ना वो गम को चिपक जाती है, वो टैबलेट है, अंदर डालना, वो अंदर चिपक जाएगी और वो धीरे 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 एब्सॉर्ब हो जाएंगी, वो 2 बार देना है, दिन में 2 बार। इंजेक्शन दे सकते हैं, टैबलेट भी दे सकते हैं, तो ऐसे अलग अलग टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। अभी ये देने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये देने से आंख के ऊपर रैश आ सकती है, लाली आ सकती है, खुजा मतलब आ सकती है, इरिटेशन हो सकता है, खुजली आ सकती है, ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बाहर से दिया तो प्रोस्टेट कैंसर का धोखा है, प्रोस्टेट कैंसर, स्लीप एपनिया हो सकता है, मतलब नींद में सांस बंद हो जाना, ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है, मतलब ज्यादा भी देना नहीं है, कम भी देना नहीं। देखो ये ऐसा है टेस्टोस्टेरोन, इसको ज्यादा और कम, ये बहुत ही मतलब तोल मूल के बोल जैसा बोलते ना, वैसा है ये, कि तोल मूल के ही करना पड़ता है। तो ये हम करेंगे तो डेफिनेटली सेक्स हार्मोन नॉर्मल रहेंगे तो आपका सेक्स लाइफ अच्छा रहेगा। तभी काफी लोग सवाल कर रहे करके मैं थोड़ा सा और भी बता रहा हूँ, इसके अलावा जो सवाल कर रहे उसको, उसके लिए कि भाई हमारे पास में है ना, इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम लोगों के है
तो प्रॉब्लम के लिए भी बीमारियां, मतलब जो अलग अलग सेक्स प्रॉब्लम है उसके लिए भी इलाज है ना। तो जैसा अभी जो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास में जो इलाज है, तो आपको बताता हूँ, मैं ये आपको बता रहा हूँ, चाह रहा हूँ, जैसे हॉस्पिटल से हमारे अलग अलग, ये अकोला में हॉस्पिटल है 200 बेड का, ये 40 बेड का हॉस्पिटल है, मेरा स्पेशलाइजेशन है ये, मैंने MD किया हुआ है, MBBS किया हुआ है, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ वो साइंटिफिक बता रहा हूँ, विज्ञान जो बताता है बता रहा हूँ। तो ये हमारा है, तो भी ये सब आपने देखा है, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आते जाएंगे और आपको अलग अलग नॉलेज मिलता जाएगा। ये हमारी टीम है, और ये जो है, ये देखो, ये नाइट फॉल लोगों को बहुत है, तो उसका इलाज हम करते हैं, नाइट फॉल का, नाइट फॉल का काउंसलिंग करते हैं। फिर धात सिंड्रोम करके होता है, मतलब बहुत ज़्यादा धात जाने से प्रॉब्लम आता है, तो उसका भी इलाज करना होता है, काउंसलिंग करना होता है। फिर टॉनिक्स, विटामिन देने होते हैं। फिर लिंग की लंबाई, गोलाई, तो ये एक प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को, उसका भी इलाज हम करते हैं, लंबाई और गोलाई और जो भी है। हस्तमैथुन, हस्तमैथुन से प्रॉब्लम होता है, तो कुछ लोगों को चिपचिपा पानी आता है, चिपचिपा पानी आता है, तो कुछ लोग स्त्री को संतुष्ट नहीं कर पाते, है ना, स्त्री को संतुष्ट नहीं कर, कुछ लोगों को लिंग का साइज लंबा करने का है, तो कुछ लोगों को सुहाग रात में प्रॉब्लम आती है, लिंग में कठोरता नहीं आती, सेक्स टाइम बढ़ाने का है, सेक्स टॉनिक के बारे में जानकारी, हमको रोज लोगों के फोन आते हैं, मैं आपको नंबर देता हूँ, उसके ऊपर आप फोन कर सकते हैं और मेरी अपॉइंटमेंट लेके आप बात कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन हम करते हैं, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वीडियो कॉल कर लेते हैं, तपास लेते हैं, और आपको हमारे डॉक्टर्स जो है वो कॉल करेंगे, आपका प्रॉब्लम समझ लेंगे, मेरे से बात करेंगे हमारे डॉक्टर्स, फिर हम दोनों मिलके आपको दवाई लिखेंगे और आपको फार्मेसी से, मेडिकल शॉप से दवाई आ जाएगी। अब ये जो है नपुंसकत्व हुआ, लैंगिक कमजोरी, तो उसका कारण मैंने बताया, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकती है, इसके कारण हो सकता है नपुंसकत्व या लैंगिक कमजोरी। इसके अलावा लैंगिक कमजोरी मतलब टाइटनेस नहीं आना, लिंग में कठोरता नहीं आना, इसका और जो कारण है वो है डायबिटीज, शुगर की दवाई, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर, मोटापा, धूम्रपान, मानसिक कारण, और बहुत लोगों को जल्दी गिरने की आदत है, जल्दी गिर जाता है, मतलब अंदर डालने के पहले गिर जाएगा, या बात करते करते चिपचिपा पानी आएगा, या फिर अंदर डालते ही गिर जाएगा, या औरत का सेटिस्फेक्शन होने के पहले गिर जाएगा। तो ये बोलते हैं शीघ्र पतन, जल्दी गिरना, औरत संतुष्ट नहीं होना, खुद को संतुष्टि नहीं आना, तो इसके लिए भी गोलियों का इलाज है, गोलियों का इलाज है, काउंसलिंग का इलाज है, जैसा इसके लिए है नपुंसकत्व जो अभी मैंने बताया, जैसा इसके लिए है वैसा, जैसा इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए है वैसा ही हमारे पास में प्री मैचर इजैकुलेशन जो है उसका भी इलाज। फिर नेक्स्ट हमारे पास में जो है वो मास्टरबेशन, हैंड प्रैक्टिस, हैंड प्रैक्टिस से प्रॉब्लम आते कैसे मालूम है क्या, हैंड प्रैक्टिस आप बहुत जल्दी जल्दी करोगे तो आपको जल्दी गिराने की आदत लग जाती, और दूसरा हैंड प्रैक्टिस की लत लग जाती, तो इससे भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी हम कंसल्टेशन करेंगे और आपको इलाज करना है उसके लिए गाइड करेंगे। अब ये जो है इसमें कुछ लोग होमोसेक्सुअलिटी के लिए भी आते हैं, होमोसेक्सुअल की जो अभी होमोसेक्सुअल नहीं रहना चाहते, समलिंगी नहीं रहना चाहते, समलिंगी लेकिन उनको बहुत तकलीफ होती है, तो वो समलिंगी नहीं रहना चाहते हैं, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम है, तो वो भी हमारे से कंसल्ट करते हैं, आप भी कंसल्ट कर सकते हैं, मैं नंबर डाले हुए इसके ऊपर कॉल करो। तभी ये जो प्रॉब्लम है आपका, इसका जो है इम्पैक्ट होता है, झगड़ा होता है औरत के साथ में, विवाह बाह्य संबंध होते हैं, झगड़ा है, तलाक तक पारी जाती है, अपराध बोध की भावना होती है, खुशी नहीं है, शांति नहीं है। दवाइयां क्या है, तो हम इसके लिए दवाई देते हैं और काउंसलिंग करते हैं, दवाई और काउंसलिंग, दवाई और काउंसलिंग। दवाई कौन सी है, तो ये दवाई जो है एलोपैथी है, आयुर्वेदिक तेल है, मलम है, होम्योपैथी की दवाई है, और ये सब दवाइयां हम आपको दे सकते हैं। इसमें एलोपैथी की जो दवाइयां हैं
वो 4, 5, 6 दवाई हम देते हैं, हम क्या करेंगे, हमारे डॉक्टर्स जो है एक्सपर्ट डॉक्टर्स, वो आपसे बात करेंगे कल, कल बात करके आपका प्रॉब्लम समझ लेंगे। आपको मेरी बात चाहिए तो आप मेरे से भी बात कर सकते हैं अलग टाइम लेके, डॉक्टर का कॉल खुद होके आएगा और फिर हम आपस में चर्चा करके आपको आपके पते के ऊपर दवाई भेज देंगे। ये दवाई जो है वो 4 गोली होंगी, 5 गोली होंगी, 6 गोली होंगी, वो गोली खाना खाने के पहले पानी के साथ में सेक्स करने के पहले लेना है। यदि आपको गोली से परमानेंट इलाज चाहिए और हम हर चाहते कि परमानेंट इलाज करना है, तो हम इसके साथ में काउंसलिंग भी करते हैं जो फ्री है, काउंसलिंग सब ऐसा लगता नहीं है, वो काउंसलिंग में हम सेक्स एजुकेशन देते हैं और सेक्स एजुकेशन देके आपको अच्छा करते हैं। तो दवाई भी है, काउंसलिंग भी है, वो दोनों भी हम करते हैं और आपका इलाज हम करते हैं। तो ये जो है ये हम आपको कल भेजेंगे, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली ये गोलियां जो है वो 2800, 2900, 3000, 3100 ये रेंज में आएंगी। कुरियर का खर्चा हम करेंगे, आपके पते के ऊपर कल ये दवाइयां निकल जाएंगी, आपको 4-5 दिन में दवाई मिल जाएंगी और आपका प्रॉब्लम हरदम के लिए निकल जाएगा। आपको काउंसलिंग में डेफिनेटली आना है, काउंसलिंग मतलब बातचीत, और बातचीत करते 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 हम आपको सेक्स एजुकेशन देते हैं और सेक्स एजुकेशन देके आपका परमानेंट प्रॉब्लम जो है परमानेंटली ठीक करते हैं। ठीक है, तो ये दवाइयां हैं और ये दवाइयां जो है वो आप नाम मात्र 150 रुपये भर के अभी हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। हम आपको भी एक लिंक देता हूं मैं आपको, वो लिंक लेना है और लिंक लेके आपको इसमें 150 रुपये भरना है, टैक्स समेत 158 रुपये। आपको कल हमारे डॉक्टर का कॉल आ जाएगा, कल कॉल आने के बाद में आपसे वो हिस्ट्री लेंगे, आपका प्रॉब्लम पूछ लेंगे, आपको प्रॉब्लम होगा तो वीडियो कॉल भी करेंगे, वीडियो कॉल व्हाट्सएप कॉल करेंगे और आपका प्रॉब्लम सुलझाएंगे, मेरे साथ में बातचीत करेंगे, फिर मैं आपकी पर्ची मेडिकल में दूंगा, मेडिकल से आपको दवाई 4-5 दिन के अंदर पहुंच जाएगी। दवाई पहुंचने के बाद में यदि आपकी शादी हुई है तो सेक्स करने के 2 घंटा पहले दवाई लेनी है, यदि शादी नहीं हुई है तो सोने के 2 घंटा पहले आपने दवाई लेने की है, सोने के 2 घंटा पहले, खाना खाने के पहले। ठीक है, तो ये करेंगे आप तो आपका प्रॉब्लम जो है हरदम के लिए छूट जाएगी। ये बार 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 दिमाग का नहीं आएगा आपको, यदि जल्दी छूट हो जाती है, जल्दी निकल जाता है तो डेफिनेटली आपका टाइम बढ़ेगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपको एनर्जी आएगी, आपको टाइटनेस अच्छा आएगा और आप दोनों खुश होंगे। तो ये जो है ये सब शक्तिवर्धक गोली है, सेक्स टॉनिक्स है, इसके साथ में आपको 6 सेशन मिलेंगे और ये अलग अलग काउंसलिंग के वीडियोज है वो भी मैं आपको भेजूंगा, करीब 60 वीडियोज है, ये 60 वीडियोज की मैं लिंक आपको भेजूंगा। काउंसलिंग में हम आपको सिखाते हैं स्टार्ट स्टॉप स्विच स्टार्ट टेक्निक सिखाते हैं, ये टेक्निक क्या है वो काउंसलिंग में सिखाते हैं, ये टेक्निक से आपका 100% प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, शीघ्र पतन का, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। और ये टेक्निक सिखाते सिखाते हम आपको उसमें जो है वो कीगल्स एक्सरसाइज जो है कीगल्स, तो वो भी सिखाते हैं कीगल्स एक्सरसाइज, और दवाइयां, गोलियां, काउंसलिंग, ऑयल, जिसका टाइट होता नहीं उसके लिए ऑयल देते हैं और मालिश करने के लिए बोलते हैं, जिसका टाइट नहीं होता है मतलब जल्दी गिर जाता है, जिसका टाइट होता है मगर जल्दी गिर जाता है उसके लिए मलम है, ये दोनों भी हम आपको देंगे। ये ऑनलाइन है, ये वीडियोस हम आपको देने वाले हैं, ये पूरे के पूरे वीडियोज में आपको दूंगा, और ये गोलियां हैं। पहले हम ये गोलियां जो है कंसल्टेशन काउंसिलिंग हमको बहुत महंगी पड़ती थी, करीब करीब ये सब पूरा मिला के बहुत खर्चा आता था, हमने वो खर्चा आपका बहुत कम किया है और करीब करीब एक राउंड फिगर समझ के चलो 3000 रुपये तक होगा यदि आपको दवाई हमारे से चाहिए तो। यदि हमारे से दवाई नहीं चाहिए तो आप 150 रुपये भरो, हम आपको कंसल्टेशन प्रिस्क्रिप्शन सब दे देंगे। ठीक है, अभी ये बताइए कि आपको ये 9 में से कौन सा प्रॉब्लम है, आप चैट बॉक्स में नंबर डाल सकते हैं, ये पढ़ लो, और आपको कौन सा प्रॉब्लम है जिसके लिए आप दवाई लेना चाहोगे, जरा बताइए कौन सा प्रॉब्लम है आपको। मैं देख रहा हूं नीचे दिए लिंक के ऊपर आप हमें ये भेज सकते हैं, ये नीचे लिंक दी हुई है इसमें चैट बॉक्स में, इसके ऊपर आप
दे सकते हैं, सचिन पाटिल अमरनाथ काळे हे आहे ना, इनका ये करना पड़ता है, पाटील लिहून घ्या तुम्ही तुमच्या याच्यामध्ये, फक्त होस्टला पाहिजे, एव्हरी वन नको आहे. मेडिसिन कितने दिन तक लेनी पड़ेगी? तो मेडिसिन जो है वो आपको 15 दिन से लेके 1 महीना लेनी पड़ेगी, और आप काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग तो डेफिनेटली आपको मेडिसिन बाद में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो 2 और 4 का प्रॉब्लम है, वेरी गुड. 1 नंबर का प्रॉब्लम है, 2 नंबर का प्रॉब्लम है, ओके गुड. 9 नंबर का प्रॉब्लम है, 8 नंबर का प्रॉब्लम है, ओके. वेट ड्रीम्स है, सपने दोष, सपन दोष होता है. धातु रोग है, ठीक है. करकपना नहीं आता है, ठीक है. 2 नंबर का प्रॉब्लम है. बहुत लोगों को है ना शीघ्र पतन का ही प्रॉब्लम, जल्दी गिर जाता है, शीघ्र पतन बहुत लोगों को प्रॉब्लम है. बहुत लोगों को टाइटनेस का प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को वीकनेस आया हुआ, बहुत लोगों को हैंड प्रैक्टिस करते मुट्ठी मारना उससे प्रॉब्लम है. 2 और 9, ठीक है, गुड. तो ये प्रॉब्लम आपको है, ये प्रॉब्लम के लिए आपने क्या करना है, ये प्रॉब्लम के लिए आपने एलोपैथी की गोलियां मैं आपको दूंगा, 6 सेशन दूंगा, वीडियोस दूंगा, मलम दूंगा, तेल दूंगा, सब करेंगे हम. ये गोलियां हैं, काम पड़ा तो इंजेक्शन देंगे, ऑयल देंगे, 5 प्रकार की गोलियां देंगे, ट्यूब देंगे, जो भी है वो करेंगे. और इसके लिए पहले हम 28,995 लेते थे, बहुत पैसा लगता था इसके लिए. अभी हमने ये पैसा बाद में 14,000 लाया, 14,999, बाद में हमने ये 9,000 में लाया, बाद में अभी हमने ये कंप्लीट जो है वो 3,000 में लाया, 2,999. क्योंकि हम होलसेल से माल खरीदते हैं. और एक मिनट, हाँ ठीक है. तो ये पृथ्वीराज सैनी जो है, जो यूट्यूब के ऊपर है, तो उनको रिक्वेस्ट है कि आप आपका नंबर डाल दो, मोबाइल नंबर, हम आपको कॉल कर लेंगे. मोबाइल नंबर डालो, हम आपको कॉल कर लेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे आपके, तो आपको कॉल आ जाएगा कल, ठीक है, कोई चिंता नहीं. कुछ रहा होगा, प्रॉब्लम आया होगा, तो आप आपका नंबर डाल दो, हम हमारे डॉक्टर कल कॉल कर लेंगे, ठीक है. तो अभी आपको अप्रोक्सीमेटली डालना कितना है, सिर्फ 150 है, तुम्हें केलं नाही का 150 तो नहीं गेलो, 150 पाहिजे होतं ना करायला, ते कुठे गेलो? एक आपण स्लाइड केली होती ना 150 म्हणून, ती कुठे गेली स्लाइड? तो आपको सिर्फ नाम मात्र जो है वो 150 रुपये भरने का है. अभी जो लिंक दी उसके ऊपर डाल दूंगे के ब्रेक डाउन खास कर लो, है ना, ठीक है. तो ये नीचे लिंक दी हुई है, इसके ऊपर आपको 150 देना है, और फिर हम आपको कॉल करेंगे, कॉल करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना. तो 150 रुपये की लिंक है, 150 रुपये की लिंक है वो, उसमें टैक्स हमें 158 देने होंगे, ठीक है. यस, इसको कुछ सवाल होंगे तो सवाल पूछो, मैं आपके जवाब दूंगा. यस, विशाल पाटिल बोलो. सर मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने हार्मोन थेरेपी बताई टेस्टोस्टेरोन बनने के लिए, लेकिन खाने में से कैसे बढ़ा सकते हो, ऐसे खाने में क्या खा के बढ़ा सकते हैं नेचुरली? खाने में नेचुरली देखो, वो जो अपन बोलते हैं मराठी साइड ना कि तरबूज, तरबूज तरबूज क्या बोलते हैं, तरबूज, फिर पाइन एप्पल, वाटरमेलन, हाँ वाटरमेलन, फिर वाटरमेलन, पाइन एप्पल, पाइन एप्पल मतलब अनानस, फिर बादाम, पाइन एप्पल, हाँ पाइन एप्पल, अनानस, ओके, हाँ फिर बादाम, बादाम, ओके, बादाम, फिर उसमें आप और मतलब अर्जिनिन जिसमें है ना, जैसा आमला है ना, आंवला, आमला है ना, उसमें फिर अदरक, ओके, ये चीजें जो है
इसमें आप बढ़ा सकते हैं। फिर ये अपना हरद 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 हल्दी का अंडा, हल्दी 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 जो है, हल्दी और गुड़ लेते हैं तो हल्दी तो हल्दी और गुड़ से होता है। फिर जो नॉन वेज वाले हैं, नॉन वेज वाले वो फिश खाते हैं तो अच्छा है, फिश फिश में होता है। और अभी फिश में लंपी लंपी ना, ये कौन सी बीमारी चालू हो गई अभी, लंपी अभी कौन सी दवाई अपनी बीमारी जानवर को जो, तो फिश में वो दवाई मतलब अभी लोग मटन नहीं खा रहे, अभी जो जानवरों को दवाई अपने चालू ना बीमारी चमड़ी की लंपी, कौन सी बीमारी लंपा लंपा अभी दवाई बीमारी चालू है ना जानवरों को लंपा, हाँ लंपी, हाँ हाँ स्किन डिसीज लंपा, तो स्किन डिसीज चालू है जानवरों को, तो इसलिए अभी मटन नहीं लोग खा रहे, चिकन नहीं खा रहे, तो फिश खा सकते हैं आप। ठीक है गुड, तो ये खाओ और मैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाओ। एज आगे चल गया, एलोपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट है अपने को, एलोपैथी की दवाई कोई जिंदगी भर लेनी नहीं है। एलोपैथी की दवाई आपको 15 दिन से लेके 1 महीना लेनी है। आपने क्या करना है, 150 रुपये भरो और 150 रुपये भर के आपने व्हाट्सएप करो नंबर के ऊपर, ताकि हमें पता चलेगा कि आपने 150 भरे हैं। इंस्टा मोजू की लिंक है और इसमें क्या आप, इसमें से आपको कोई भी बीमारी हो सकती है, तो ये बीमारी के लिए फिर आपको यदि जरूरत है टेस्टोस्टेरोन की तो आप टेस्टोस्टेरोन भी ले लो, लेवल्स देख लो, लेवल्स टेस्ट करके हमको बताओ कि ये टेस्टोस्टेरोन की लेवल है, तो अपन उसका भी इलाज करेंगे। अपने मन से टेस्टोस्टेरोन लेना नहीं है, अपने मन से टेस्टोस्टेरोन लेना नहीं है। तो ये इंस्टा मोजू की लिंक है, आप लिंक के ऊपर पैसे भरो और 158 रुपये आएंगे शायद लिंक डाका। और जैसे आप पैसे भरते हैं तो आप कैट बॉक्स में डाल दो कि आपने पैसे भरे हैं, या फिर उसकी उसका व्हाट्सएप करो अच्छा इंस्टा मोजू में ना, हाँ तो ये जो लिंक दी हुई है ना चैट बॉक्स में, उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको हमारे डॉक्टर साहब कल बात करेंगे, कल बात करके आपके साथ में चर्चा करके फिर अरुण कुमावत पैसे भरे बोलते हैं, अरुण कुमावत आपका नंबर डाल दो, अपने पैसे भरे तो हम चेक कर लेंगे। अरे पहले भर ले आपका, क्या भर ले, अत्ता भर ले एक अच्छा। ओके ये नंबर है इनका, हाँ हाँ ओके तो आपके पास में सिर्फ 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर आप पैसे भरो, बाद में ये मौका नहीं आएगा। और बाद में यदि आप करते हैं और कंसल्टेशन चाहिए तो आपको कम से कम 1000 रुपये लगेंगे, 1000 रुपीज। अभी आप करते हैं तो आपको 150 रुपये में कंसल्टेशन हो जाएगा। ठीक है यस, और किसको कुछ सवाल करना है तो सवाल पूछ सकते हैं, हाथ ऊपर कर लो, सवाल पूछो। यस रियलमी, रियलमी बोलो, अनम्यूट करो और बोलो। अर्जुन सैनी बोलो। ये सर जो मैंने समस्या बताई है कल 150 रुपये लेके कंसल्टेंट हो जाएगा आपसे कैसे? हाँ हाँ मेरे से नहीं होगा, हमारे डॉक्टर से होगा। मेरे से करना है, मेरे से करना है तो जो नंबर दिया उसके ऊपर कॉल कर लो मेरे से करने के लिए, है ना वो जी जी। और डॉक्टर से हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर है वो आपसे बात करेंगे, आप 158 करते तो वो बात करेंगे हमारे डॉक्टर, वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, डॉक्टर मुझे बात करेंगे मेरे से और बाद में आपको दवाई यहाँ से भेज देंगे। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ओके ओके। और ये 3000 का वो लेते पैकेज तो सब चीज उसी में होगी सर? हाँ क्योंकि आपको पहले पूछ लेंगे आपका क्या प्रॉब्लम है और फिर बाद में वो हिसाब से आपको ये करेंगे, तो अप्रोक्सीमेट बताया मैंने आपको, हो सकता है कि 2800 दवाई हो जाएंगे, 2800 की 2100 की हो जाएगी, है ना।
उसमें हम हमारा, हाँ उसमें कुरियर का खर्चा हम भर देंगे, कुरियर जो है ना वो समेत आ गया उसके समय। हेलो सर। यस बोलो सर, अभी करना पड़ेगा 150 रुपये सर। हाँ अभी नहीं, फिर कब? अभी करेंगे 150 रुपये तक दवा, मतलब कल अपॉइंटमेंट मिलेगा डॉक्टर से? कल अपॉइंटमेंट आपके, आपको हमारे डॉक्टर साहब कॉल करेंगे, आपकी हिस्ट्री पूछेंगे। हाँ सर। आपको हिस्ट्री पूछने के बाद मेरे से बात कर लेंगे, और मेरे से बात करके फिर हम कल आपको दवाई भेज देंगे, है ना। दवाई का जो भी खर्चा है वो आपको मेडिकल से बोल देंगे कि दवाई का इतने इतना खर्चा है, बाद में दवाई का खर्चा भर देना, आपको दवाई मिल जाएंगी आपके घर पे। तो दवाई कितना दिन पे आ जाएगा सर? हम बाहर में है अभी तो, 3-4 दिन में, 5 दिन में पहुंच जाएगा दवाई। 3-4 दिन, 5 दिन में खर्चा कितना? आपको यदि, आपको यदि प्रिस्क्रिप्शन चाहिए तो हम प्रिस्क्रिप्शन भेज देंगे, उसके लिए कोई खर्चा नहीं है। कितना पड़ेगा खर्चा सर? खर्चा हो सकता है कि आपको 2,800 लगेगा या 3,100 लगेगा, वो रेंज में लगेगा अप्रोक्सीमेटली, है ना। हाँ सर। और मतलब उससे भी कम लगता है एक्चुअली दवाई को, क्योंकि कम से कम हमको 150-200 रुपया लगता है कुरियर को, है ना। हाँ सर। कुरियर भेजते तो उसको भी लगता है हमको, वो अभी हम भरेंगे, आपको नहीं बताएंगे। ओके सर, ठीक है सर। ओके भर डालो जल्दी जल्दी फटाफट। ठीक है सर, भर देता हूँ। जल्दी भरो, आपके पास में सिर्फ है 10 मिनट, बाद में हम बात करेंगे, बाद में मतलब 158 रुपये फटाफट भर डालो, और आपके पास में सिर्फ अभी 5 मिनट है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जल्दी नहीं गिरना चाहिए, इसके लिए नेचुरल उपाय कौन से, वो बताऊंगा मैं आपको। नेचुरल दवाई का तो है ही, और दवाई के साथ साथ घरेलू उपचार क्या है कि जल्दी नहीं गिरना चाहिए, तो उसके लिए मैं 5 आपको टिप्स दूंगा घरेलू उपचार, और बाद में हम कार्यक्रम खत्म करेंगे। तो आपके पास में अभी है 5 मिनट, भर डालो फटाफट, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। पैसा ये जो लगता है, ये चार्ज लगता है 1,000 रुपये, अभी आप भरते हैं तो आपको 150 रुपये में सिर्फ हो जाएगा। यस, और किसको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में डालना है तो डाल सकते हैं, ये जो लिंक है, मेरे से बात करना है आपको तो हमारे हॉस्पिटल के नंबर डाले हुए हैं, वो नंबर के ऊपर आप कॉल करो, आपको मेरी अपॉइंटमेंट मिल जाए। आपको हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से बात करना है तो ये लिंक के ऊपर कॉल करो, ये लिंक के ऊपर पैसे भरो, आपको हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, वो खुद ही कॉल करेंगे हमारे डॉक्टर। आपको यदि गूगल पे करना है तो गूगल पे का नंबर मैं डालता हूँ, तो आप गूगल पे करो, और गूगल पे करके फिर आपको क्या करना होगा कि आपको स्क्रीनशॉट भेजना होगा, क्योंकि गूगल पे भी डिटेल नहीं आते है ना। तो मैं आपको देता हूँ गूगल पे नंबर 9822570101, तो ये गूगल पे नंबर है। ये जो 9822570101 ये फोन पे नंबर है, और गूगल पे नंबर है, पेटीएम नंबर है, तो ये आप इसके ऊपर पेमेंट कर सकते हैं, और इसके ऊपर भी पेमेंट किया तो आप फिर चैट बॉक्स में डालो कि आपने पेमेंट किया हुआ है,
पेमेंट के साथ में नाम डाल दो और ये स्क्रीनशॉट के लिए नंबर डाले उसके बाद स्क्रीनशॉट दे दो। फोन पे दिया है, जीपे पेड इंस्टामोजो महावीर। ये जीपे पेड इंस्टामोजो क्या है भैया? स्क्रीनशॉट के लिए नंबर डाल दिया है, लिंक पे पेड किया है, ठीक है महावीर। हाँ गूगल पे, ठीक है गुड। तो मैं भी आपको बता रहा हूँ पांच भेजना है। हाँ जिन्होंने गूगल पे किया है या फोन पे किया है उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजना अनिवार्य है, नहीं तो किसने पे किया हमको पता लगेगा नहीं और फिर आपको हिस्ट्री के लिए कल कॉल आएगा नहीं। तो आपने यदि गूगल पे या फोन पे किया होगा तो आप स्क्रीनशॉट भेजो और कैड बॉक्स में भी नंबर डालो कि आपने पेमेंट किया है गूगल पे से। गूगल पे से आपको 150 रुपये भरना है, 8 रुपये बच जाए। यस, तो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई घरेलू उपचार क्या है, जल्दी गिर जाता है उसके लिए घरेलू उपचार क्या है। तो नंबर एक घरेलू उपचार स्टार्ट स्टॉप स्क्वीज स्टार्ट टेक्निक है। वो टेक्निक यदि है स्क्वीज टेक्निक का इस्तेमाल आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, नंबर एक। नंबर दो कीगल्स एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज जो है उसके वीडियोस मेरे हैं, आपको वीडियोस मिल सकते हैं, कीगल एक्सरसाइज करो और आपको नेचुरली उसमें फायदा होगा। नंबर तीन आपको लोकल जेल मिलता है, एनेस्थेटिक जेल मिलती है, तो लोकल यदि आप जेल लगाते हैं तो उसमें फायदा हो सकता है। नंबर चार फीमेल सुपीरियर पोजीशन, मतलब मेल नीचे फीमेल ऊपर, और ये पोजीशन में यदि आप सेक्स करते हैं तो आपको शीघ्र पतन में फायदा हो सकता है। नंबर पांच यदि आप बहुत ज्यादा आपका इज्जत का सवाल है और बहुत ज्यादा यदि आप डिस्टर्ब है तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले 2 घंटा पहले आप हाथ से कर लो, और जब 2 घंटा पहले आप हाथ से कर लेते हैं तो डेफिनेटली उतना जोश सेकंड टाइम नहीं रहेगा, 2 घंटे बाद में आप आपके गर्लफ्रेंड के पास में जा सकते हैं और ठीक कर सकते हैं अपने आप को, अच्छा सेक्स हो सकता है। तो ये 5 घरेलू टिप्स है। आपको और कुछ सवाल पूछना है तो आप सवाल पूछिएगा, हम आपको अनम्यूट करेंगे और अनम्यूट करके आपने यदि हाथ ऊपर किया तो आपके सवालों के जवाब हम देंगे, राइट। तो हमारे सचिन निंगोड़ है वो आपके सवालों के जवाब देंगे। मैं सचिन निंगोट को ये हवाले करता हूँ माइक, और आपको कोई सवाल होंगे तो आप हाथ ऊपर करो, आपको सवालों के जवाब वो देंगे, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ जा तो अभी जिन्होंने फोन पे या गूगल पे किया है उनसे अनुरोध है कि आप कृपया मुझे व्हाट्सएप कीजिए, जिससे कि आपको कल कॉल आने में आसानी होगी। जिन्होंने इंस्टा मोजो पे पेमेंट किया है उन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा तो भी चलेगा, पर जिन्होंने फोन पे गूगल पे पेटीएम जो भी किया होगा उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजना अनिवार्य है, और स्क्रीनशॉट के साथ आपका नाम लिखो वहां पे, जिससे कि हमें पता चले कि किसने पेमेंट किया है। तो जल्दी जल्दी पेमेंट कीजिए जिससे कि हमारा कॉल आपको कल आ जाएगा, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आपसे बात करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ से दवाई रवाना कर दी जाएंगी। आप अगर दवाई लेते हैं हमसे तो उनके साथ आपको 60 वीडियो की लिंक मिलती है, जिसमें डॉक्टर दीपक केड़कर सर के 60 वीडियो है विशेष रिलेटेड, और साथ ही में आपको 6 काउंसलिंग सेशन बिल्कुल फ्री मिलते हैं। तो ये जो बहुत सारे लोगों ने अभी पेमेंट किया है
जिन्होंने अभी तक किया नहीं है वो जल्दी से कर ले। अगर आज आप पेमेंट करते हो तो ही आपको ये 150 रुपये में आपकी बात डॉक्टर से हो पाएगी, वरना अगर आप कल करते हो तो आपको 1000 रुपीज 1000 रुपये भरने पड़ेंगे। तो जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है वो जल्दी से कीजिए। किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते, किसी को अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते। दवाइयों के लिए अकाउंट नंबर कौन सा है क्या है वो डिटेल आपको बाद में दी जाएंगी। आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से कॉल आएगा आपकी हिस्ट्री होने के बाद। पहले आप के आपको कल पहले हिस्ट्री के लिए कॉल आएगा, उसके बाद आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से कॉल आएगा। आपके पास उनका नंबर भी आएगा, वो आपको डिटेल भी प्रोवाइड करेंगे कि आपको कहाँ पे पैसे भरने हैं क्या भरने हैं। पहले आप 150 रुपये भर लीजिए, जिससे कि आपको कल पहले डॉक्टर से बात होगी, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से बात हो पाए। किसी का अगर सवाल है कोई तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, आपका डिजिटली हैंड ऊपर कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि आपको कोई सवाल है, हम आपके सवालों के जवाब दे सकेंगे। किसी को कोई सवाल है? अगर आपको डिजिटली हैंड ऊपर नहीं करते आ रहा तो आपका हाथ ऊपर कर सकते हैं वीडियो चालू करके। दीपक कुमार राम जी बोलिए। सर नमस्कार। नमस्ते बोलिए। सर मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल सर 300 से नीचे है सर, ठीक है। मैंने आपका माइक म्यूट हो गया है, आपने माइक म्यूट किया है दीपक। ठीक है राहुल जी बोलिए, राहुल भड़के जी बोलिए। बोलिए बात कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जरूर आ रही है, बोलिए आप। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैंने अभी 150 रुपये आपको पे कर दिए है, मैं मराठी पण बोलू शकतो का? मी 150 रुपये भरलेले आहे आता लिंक थ्रू। मी याच्या आधी पण दोन वेळा कडून औषधी मागवलेले होता। मला का नाही ज्या औषधी मी आधी घेतल्या होत्या ना त्याच औषधीविषयी बोलायचं आहे डॉक्टर सोबत। मला त्याच्याविषयी जास्तच जास्त बोलायचं होतं थोडस। आता तर मी इथे याच्यावर ग्रुपवर वगैरे याच्यावर बोलू शकत नाही, तर मला पर्सनली डॉक्टर सोबत बोलायचं होतं, तर मला इतर सरांसोबत बोलायला मिळेल काय सर उद्या? उद्या केळकर सरांशी नाही भेट बोलणं होणार आपलं, है ना, एक्सपर्ट डॉक्टर सोबत होईल। तुम्ही त्यांना सगळं सांगू शकता तुमचे प्रॉब्लेम, ठीक आहे। तुम्हाला जर सरांसोबत बोलायचं आहे तर तुम्ही त्या दिलेल्या नंबरवर कॉल करू शकता, तर ते तुम्हाला डॉक्टर दीपक सरांची अपॉइंटमेंट देतील। मी आधी केला होता त्यांनी फी वगैरे काहीतरी म्हणत होता, मी हॉस्पिटल मध्ये पण आलो होतो। बरोबर। हॉस्पिटल मध्ये पण विजिट केलं होतं मी, तर त्यावेळेस पण मला पंकज सर आणि आम्ही अमोल सर मिळाले होते, अमोल सर आम्ही बोलून झालो होतो, अमोल सर भेटले होते तिथं। अमोल सरांनी औषधी वगैरे त्याच रिफंड दिला होता मला परत, त्याच्याविषयी थोडस मला विस्तारपूर्वक बोलायचं होतं डॉक्टर सोबत। ठीक आहे ना, आप उसके लिए कॉल यानी अपॉइंटमेंट ले सकते हो, है ना। बाकी वो कल मैंने अभी अभी जो पे पे किए है पैसे, हाँ तो उसके रिकॉर्डिंग तो कॉल आएगा ही मुझे। हाँ जरूर। थ्रू मतलब तो स्पेशली डॉक्टर के साथ बात हो सकती है ना मेरी?
हाँ डॉक्टर से ही बात होंगी पर दीपक सर से नहीं होगी। दीपक अच्छा। सर के पास आपका पूरा जाएगा है ना, आपकी पूरी हिस्ट्री उनके पास जाएंगी और वही आपको मेडिकल प्रिपेयर करें। तो आपका जो भी प्रॉब्लम हो आप आपने बता देना है एक्सपर्ट डॉक्टर को है ना। ठीक है ठीक है, ओके ठीक, ओके थैंक यू। वेलकम। और किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी ने जिनको जिनको प्रॉब्लम है जिन्होंने जिन्होंने बताया है कि हमें ये प्रॉब्लम है उन्होंने सभी ने 150 रुपये भरने हैं जिससे कि हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आपको कल कॉल कर सकेंगे और आपकी बात उनसे हो पाएगी। अगर आप कल ही पेमेंट करते हो तो परसों से मतलब मंगलवार से आपकी सेक्स काउंसलिंग की बैच शुरू होने वाली है, नई बैच। तो आपको ये भी बेनिफिट है कि आपको ज्यादा दिन तक रुकना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी नई बैच अभी सेक्स काउंसलिंग की परसों से चालू होने वाली है 13 तारीख से। तो आपको वो भी बैच जल्दी से मिल जाएंगे। धनंजय निकम जी बोलिए, खुद को अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। हाँ, मी 5,000 रुपये भरून आपल्या इथं औषध घेतलं होतं, तर ते काय फायदा झाला नाही। मग काय करायचं? आता पैसे पण ठीक गेले, आहे, फायदा फायदा पण झाला नाही। झाला नाही। हाँ, इरेक्टाइल तो जो हमने बताया था आपको स्टेप है ना, काउंसलिंग की थी आपने, पूरे हाँ 6 सेशन किए थे, हाँ तो उसमें जो जो बातें बताई थी वो आप कर रहे हो, हाँ रेगुलर कर रहे हो, हाँ यस। या फिर जब तक सेशन था तब तक ही किए आपने और छोड़ दिया बीच में? नहीं, नहीं। तो ठीक है, एक बार दोबारा से आप बात करो सर से है ना। हाँ किसको एक ही बार में फर्क गिरता है, किसको दो बार भी लेनी पड़ती है ना दवा, हाँ प्रॉब्लम के ऊपर है डिपेंड कि अपने को कब उसका असर पड़ेगा। तो हम तो ऐसा बोलते हैं कि अगर आप काउंसलिंग ठीक से करते हो, जैसा बोला वैसा ही करते हो, तो आपको दोबारा गोलियां लेने का काम नहीं गिरता है। फिर भी आपका अगर प्रॉब्लम अभी तक पूरा ठीक नहीं हुआ तो आप एक बार और दवाई मंगवा सकते हैं जिससे कि आपका पूरा प्रॉब्लम ठीक हो सके। आणि परत फायदा नाही झाला तर काय करायचं? दवायांचं काय गुण आला नाही तर काय करायचं? ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं कुछ है ना, हाँ ऐसे तो आप ही अकेले हैं जो बोल रहे हैं कि वाह होगा नहीं, तो ऐसा तो होता नहीं है ना। आपने अगर मन में ठान लिया कि होगा नहीं तो आपका कुछ भी होगा नहीं। ज्यादा तो दिमाग का भी रहता है, अपने अपन क्या सोचते हैं उस पर भी डिपेंड रहता है कि अपने साथ क्या होने वाला है और क्या होने वाला नहीं है ना। आपने हाँ अगर मन में सोच लिया कि मैं दवाइयां लूंगा, काउंसलिंग करूंगा, जो बताया वो करूंगा, फिर भी मेरा ठीक होने वाला नहीं है प्रॉब्लम, तो आपका कुछ भी करो आप, आपका प्रॉब्लम ठीक होने वाला नहीं है ना। आपको दिमाग में भी सोचना पड़ेगा कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके दिमाग को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके लिए। आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी कि मैं जो कुछ करूंगा वो अच्छा होगा है ना, और मैं जो गोलियां ले रहा हूँ, मैं जो बताया जा रहा है वो कर रहा हूँ, उससे मेरा प्रॉब्लम ठीक होगा, तो आप आज ही ठीक हो सकते हैं, आपका कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं। 15 दिवस वो डायरेक्ट लेते हैं, काय उपयोग झाला? हाँ ना, मैं वही बता रहा हूँ आपको है ना कि किसी को एक ही बार में फर्क गिरता है, किसी को दो बार लेनी पड़ती है, पर मैं क्या बोल रहा हूँ ये सब आपके दिमाग पे है। सिर्फ आप गोलियां लेते जा रहे हो लेते जा रहे हो लेते जा रहे हो, इससे कोई होता नहीं है ना, इससे थोड़ी होता है। आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा उसके लिए। तो आप एक बार दोबारा से लेके देखिए, कॉल कीजिए कल, 150 रुपये भरिए एक बार और एक बार और दवाइयां ले लीजिए। उसका क्या आप आयुर्वेद? 5,000 रुपये का बोल रहे हो वो बहुत पुरानी बात है हाँ ना। नहीं, उसको आयुर्वेदिक इलाज नहीं है क्या? हमारे आयुर्वेद पास
नहीं है आयुर्वेदिक, हमारे पास आयुर्वेदिक नहीं है, है ना? जो कुछ है तो बताओ। हम एलोपैथी करते है ना, जो है वो है। साइड इफेक्ट होते हैं ना उसके। कैसे आप अगर बार बार लोगे, 10 बार लोगे गोलियां है ना, तो साइड इफेक्ट होता है। इसीलिए हम काउंसलिंग देते हैं कि आपको बार बार दवाई लेने का काम ना पड़े। हम यहाँ पे दवाइयां मेडिसिन बेचने के लिए नहीं बैठे, हमारा हमारा जो है मकसद है कि हर लोगों का, भारत में जितने भी लोग रहते हैं 125 करोड़ लोग, उनको हम उनको हमको सेक्स का जो भी प्रॉब्लम है उससे मुक्त करना है। इसके लिए हम बैठे हैं, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो आप एक बार पेमेंट कर लीजिए 150 रुपए का, तो हमारे डॉक्टर आपसे कल फिर से बात करेंगे और आपने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, क्या क्या प्रॉब्लम है एक बार दोबारा से बता दीजिए। ओके हाँ ओके ठीक है, थैंक यू। सचिन जी बोलिए। सचिन खुद को अनम्यूट कीजिए, बोलिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बोलिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे मतलब पेनिस की मोटाई के लिए कुछ कैसे कोई ट्रीटमेंट है क्या? मोटाई के लिए आप 150 रुपए भर दीजिए है ना। हाँ। आप 150 रुपए भर दीजिए, हमारे डॉक्टर आपसे कल बात करेंगे, वो सब अच्छा। आपको गाइड भी करेंगे है ना, और उस पे क्या इलाज है क्या नहीं है वो भी बताएंगे। आपके दिमाग में कुछ व्यायाम होगा वो भी निकाल देंगे, साथ में हम काउंसलिंग भी देने वाले है ना। ज्यादा तो अपने को प्रॉब्लम नहीं रहते, दिमाग में वहम रहते है ना, हम उस पे काम करते हैं पहले, जिससे कि आपका प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो पाए। अच्छा। तो आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, छोटा है बड़ा है, साइज कम है बड़ी है ना। तो सर इसका ट्रीटमेंट, जैसे मान लीजिए मैं सर से ट्रीटमेंट लेता हूँ, तो कितना क्या कॉस्टली कितना क्या पड़ेगा? तो अभी हमने बताया आपको है ना कि आपको 150 रुपए भरना है अभी। हाँ 150 रुपए तो मतलब 150 रुपए डॉक्टर फीस है। हाँ ठीक है ना, उसके बाद हमारे डॉक्टर बात करेंगे और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उससे रिलेटेड 2,800 से 3,000 रुपए तक करीबन दवाई होगी है ना। वो अभी एग्जैक्ट बता नहीं सकता, आपका प्रॉब्लम सुन के आपको मेडिकल से कॉल आएगा और आपको दवाई बताई जाएंगी, इतने की रुपए की हो रही है ना, उतने ही पैसे आपने भरने हैं, ज्यादा पैसे नहीं भरने। मतलब मेरी परफॉर्मेंस का बाद में पता चलेगा डॉक्टर से बात करने के बाद। हाँ 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 हाँ, कि आपकी दवाई कितने की हो रही है। पर करीबन 3,000 तक होगी है ना करीबन। उसके साथ आपको काउंसलिंग के 6 सेशन भी फ्री में मिलने वाले, उसका कोई चार्ज नहीं। सेशन से मैं समझा नहीं। हिप्नो काउंसलिंग के सेशन जिसमें हम कुछ बातें सिखाते हैं आपको कि क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए है ना, जिससे कि आपका जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ठीक हो पाए। कुछ बातें अपने दिमाग में भी रहती है ना, कुछ थॉट रहते हैं पहले से, कुछ अपन ने इधर उधर से सुना हुआ रहता है, कुछ अपन ने वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे देखते हैं है ना, तो इससे कुछ धारणाएं बना लेते हैं अपन दिमाग में, वो भी हम दूर करते हैं आपकी। साथ में कुछ टेक्निक सिखाते हैं आपको जिससे कि आपका प्रॉब्लम ठीक हो सके। साथ ही में 60 वीडियो की लिंक देते हैं जो आपके पास हमेशा के लिए रहेंगी जी सर। तो ऐसा सब आपको मिलेगा उसी पेमेंट में जी सर। तो जल्दी से आप कर लीजिए पेमेंट, वक्त गुजरने जा रहा है, अभी हम बंद करने वाले हैं, इसके पहले आप कर लीजिए। जिन्होंने भी अभी तक पेमेंट नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। डॉक्टर साहब से मीटिंग कब होगी सर? किस बात की मीटिंग?
बात जैसे मैं डॉक्टर साहब से कंसल्टेड, हाँ तो वो कल होंगी, आज अगर पेमेंट करते हो आप तो कल आप हमारे डॉक्टर का आपको कॉल आएगा। अच्छा अच्छा ओके जी सर, थैंक यू सर, करता हूँ। सचिन जी भर लीजिए पैसे इंस्टा मोजो पे, है ना, कर दीजिए पेमेंट। ओके ठीक है। तो और किसी को प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपको पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है तो हमने गूगल पे फोन पे फोन पे का भी नंबर दिया है। अगर आप गूगल पे फोन पे करते हो तो आपने स्क्रीनशॉट भेजना अनिवार्य है, नहीं तो फिर आपको हमारा कॉल नहीं आएगा, उसके लिए आप जिम्मेदार रहोगे। जो लोग हमें YouTube पे सुन रहे हैं उन्होंने भी कॉल करना है, हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर आपको जहां से लिंक मिली है वहां पे भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा YouTube पे चैट के लिए हमें प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं दिए गए नंबरों पे। तो ठीक है, मुझे लगता है ऐसा कि अभी किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम यहीं पे रुकेंगे और मिलेंगे अगले सेमिनार में। तो जिन्होंने जिन्होंने पेमेंट किया है, जिन लोगों ने अब तक इंस्टा मोजो पे पेमेंट किया है, अभी तो गूगल पे फोन पे पे किसी ने किया नहीं है, इंस्टा मोजो पे किया है सभी ने, तो जिन्होंने पेमेंट किया है उनको कॉल आ जाएगा। अगर अभी आपको दिक्कत आ रही है, आप रात भर में कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, तो आपके पास इंस्टा मोजो की जो लिंक है वो कॉपी करके रख दीजिए, जिससे कि आप सेशन खत्म होने के बाद भी पेमेंट कर पाओगे। अगर सेशन खत्म होने के बाद खत्म हुआ तो आपको लिंक नहीं मिलेगी ये जो हमने चैट बॉक्स में डाली है। तो आप जिनको बाद में पेमेंट करना है या फिर अभी दिक्कत आ रही है, उन्होंने ये लिंक कॉपी करके अपने पास रख देनी है, जिससे कि आप सेशन खत्म होने के बाद भी पेमेंट कर पाओगे। तो ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। गुड नाइट, नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट।